रियल स्टेट एज विद जिमी सिंह, और जिमी सिंह उन सवालों के जवाब देता है जो आपको कहीं और अपनी भाषा में नहीं मिलेंगे। और बड़ा एक दिलचस्प हुई, हम यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग पहले कर रहे थे तो हमारे एक स्टाफ मेंबर है स्टेफनी, उन्होंने कहा कि मैं पहली दफ़ा घर ले रही हूँ, तो मैं रेंटल प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा बताइए कि लैंड लॉर्ड के क्या लॉज हैं, वो रेंटल RTA जो बोलते हैं उसके मुताबिक वो लैंड लॉर्ड को किन चीज़ों पे मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो जिमी ने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिया, तो मैं चाहता हूँ कि उसी सवाल को हम हिंदी में आपके सामने पेश करें, और मेरा ख्याल है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे चाहने वालों के जो लैंड लॉर्ड हैं उनको इस मालूम से बहुत फ़ायदा होगा। तो जिमी ज़रा ये बताइए RTA के बारे में कि जो लैंड लॉर्ड्स व्हाट दे कैन नॉट डू अंडर रेजिडेंशियल एक्ट। So first thing, as a you know, as a landlord, you have to understand जो RT है, RT means residential tenancy act जो है, it's a consumer protection act. Right. So it is there to protect tenants, not the landlords. हमें बहुत बड़ा मतलब दिमाग में ये misconception है कि मतलब के या rules regulation है, yes there's rule regulations, but fortunately or unfortunately what I found out in 15 years, these are in favor of tenants. Yeah. So let's say अगर मेरे पास कमर्शियल दुकान है, मैंने रेंट की हुई है, मैं को रेंट पे नहीं कर रहा, अगले दिन जाके मैं ताला लगा के उसका सारी नीलामी कर सकता हूँ मान की, that's commercial. Right. वो हमारे फेवर में है लैंडलॉर्ड के, ठीक है, बट जो रेजिडेंशियल एक्ट है, यू नो इट इज इन फेवर ऑफ टेनेंट्स, यू नो सी एवरेज हर साल कम से कम 50,000 एप्लीकेशन फाइल होती हैं एविक्शन के लिए या वॉट एवर, मतलब किसी भी मसले के लिए, राइट? तो वहाँ जब एप्लीकेशन जाती हैं उनमें से 90% होती हैं लैंडलॉर्ड्स की एप्लीकेशन, 10% होती हैं टेनेंट्स की, ठीक है, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं कि हमारा मतलब क्या हमारा हक है, हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, एंड देन बेसिकली यू नो द प्रॉब्लम्स हैपन। एंड एज आई सेड, कभी भी आपने ऐसे करना है, यू नीड टू हैव प्रोफेशनल ऑन द टीम हु नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट? सो पहली बात जो आप नहीं कर सकते, यू नो यू कांट डिमांड पोस्ट डेटेड चेक्स और प्री ऑथराइजेशन फॉर्म्स। आई नो मैं बोल रहा हूँ पर लोग कहेंगे मैं तो अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहा हूँ, उसने मेरे से साइन कराए हुए हैं या मेरे टेनेंट ने 10 में से चेक मांगे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग लॉ, द लॉ सेज दोनों पार्टी अगर वॉलेंटरली एग्री करती हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू कांट पुश इट। सो आई गिव यू एग्जांपल, देयर वाज अ केस 3 years ago, एक इमिग्रेंट आया था, ही वॉज गेटिंग हार्ड टाइम फाइंडिंग अ प्रॉपर्टी इन मिसिसागा, ठीक है, तो टेनेंट कहता है भी तेरा क्रेडिट नहीं है, तो अगर तेरे को चाहिए मेरे को 6 महीने के चेक एडवांस दे दे, ठीक है। तो उसने 6 महीने का रेंट दिया, टेनेंट मूव कर गया अंदर, टेनेंट था पढ़ा लिखा, ही अप्लाइड, जैसे अंदर मूव किया उसने बोर्ड में एप्लीकेशन फाइल कर दी, बिकॉज यू कांट डिमांड मोर देन फर्स्ट एंड लास्ट, या तो बोर्ड ने उसको साथ में चिट्ठी भेज दी लैंडलॉर्ड को, रिटर्न 4 months back, ठीक। तो हुआ क्या, वो बंदा मूव भी कर गया, उसको 4 महीने का चेक भी वापस करना पड़ा, एंड देन बेसिकली कुछ आगे फ्यूचर में होगा, सो यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, सो यू कांट आस्क मोर देन फर्स्ट एंड लास्ट। एंड सेकंड थिंग इज यू कांट आस्क सिक्योरिटी डिपॉजिट, फर्नीचर डिपॉजिट, डैमेज डिपॉजिट, पेट डिपॉजिट, राइट? दैट्स इलीगल। एंड जो आपके पास लास्ट मंथ का डिपॉजिट है उसको सिर्फ आप रेंट का कोई अरियर होगा उस पर अप्लाई कर सकते हो, कोई टेनेंट अगर गंद छोड़ गया क्लीनिंग पे अप्लाई करके नहीं कहोगे मेरे को दे, दैट्स अगेन इलीगल। सो इफ यू थिंक यू कैन आस्क सिक्योरिटी डिपॉजिट, गाइस आई एम टेलिंग यू, इफ किसी को पुश करके, क्योंकि आजकल रेंटल मार्केट बहुत टाइट है, वैकेंसीज लेस देन यू नो 1% ऑल ओवर GTA, राइट? इवन लंदन में भी आप देख लो, लोग को पहले मतलब ना ना करके एक बार आपको पे करके घुस जाएंगे, क्योंकि लोगों को इतना टेनेंट्स को रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है, अगर पता होंगे दे कैन फाइल एप्लीकेशन, यू एंड अप डूइंग इट एंड यू विल बी पिनलाइज्ड, राइट? सो यू कांट आस्क मोर देन फर्स्ट एंड लास्ट, यू कांट आस्क सिक्योरिटी डिपॉजिट। थर्ड थिंग इज यू कांट डिसकनेक्ट वाइटल सर्विसेज लाइक हीट हाइड्रो, जब सर्दी पड़ी हुई है, राइट? सो लेट्स से अगर एग्जाम्पल देता हूँ, आपको कोई बंदा कहता है जी मेरे से कैश ले लो या सॉरी मेरे से चेक ले लो फ्राइडे को, आई हैव टू मूव राइट अवे, राइट? फॉर मी फर्स्ट थिंग इज यू नो रेड फ्लैग, क्योंकि कोई भी अच्छा टेनेंट होगा उसको 60 दिन का नोटिस देना पड़ता है, right. पर कई बार आप देखोगे आप ऐड डालोगे आपको कॉल आई जा रही है, एंड बेसिकली कहता है मेरे को तो वीकेंड में मूव करना है, मेरे को छुट्टी है, राइट? एंड वो चेक मंडे को आप डिपॉजिट करोगे बाउंस हो जाएगा, yes. वो बंदा अंदर घुस जाएगा, राइट? सो फर्स्ट मिस यू नो गाइज यू हैव टू डू इज बेसिकली मेक श्योर टेनेंट अपने नाम पे हीट हाइड्रो रखे, उसके 2 फायदे हैं, बिकॉज अगर वो अब कॉल करेगा हाइड्रो वन को या गैस कंपनी को, वो उसका क्रेडिट पुल करेंगे या उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेंगे, right. वो अच्छी बात है, बिकॉज कल को वो डिफॉल्ट करेगा उसके क्रेडिट पे आएगा उनके लिए, हाँ, राइट? बट ये नहीं कि आपको कोई रेंट नहीं दे रहा, आपकी बेसमेंट में रह रहा कहीं रह रहा, आप उसकी हीट बंद कर दो,
That's illegal. Yeah. They have fined up to $25,000 for landlords who turn heat off. So yeah. You better make sure what you do. Jo aap kar rahe, you know what you're doing. Yeah. Right? It's not straightforward. Correct. That way. And you can't refuse and discriminate based on their gender, their race, their color, or unke bacche hain. Right? That's against. Yeah. Right? You have to understand, हमारे में perception होती this and that. So you better be prepared. अगर किसी को लगता है मैं से discrimination होगी, he can go to human rights and drag you in the court. Right? And उसके बाद क्या है कि कई बार क्या कहते हैं, बंदा कहता है मेरे पास रेंट कर लो बेसमेंट या कुछ वट एवर, मेरे से रिसीद ना मांगना, कैश है, मैंने शो नहीं करना टैक्स में. सो गाइज, हेयर इज अनदर थिंग. इफ अ टेनेंट आस्क यू फॉर अ रिसीट एंड यू डोंट गिव हिम द रिसीट, लॉ सेज ही डोंट हैव टू पे यू रेंट. अगर वो रेंट देना बंद कर देता है, यू कैन गो टू कोर्ट, डू वट एवर इट इज, दे उसे रिसीट दो. सो अगर आप कैश रेंट ले रहे हो, I'm pretty sure a lot of amigos हमारे जो है, they're doing that, but you make sure कि अगर उसको वो पता है, you have to provide him the receipt कि आप rent दे रहे हो. Second जो main आपको पता होना चाहिए कि अगर हम smoke clause डालते हैं, अभी पीछे marijuana clause भी डालना शुरू किया हमने, उसका reason क्या है कि अगर कोई बंदा लेट्स से घर में मुंह करके smoke कर रहा है, yes आपकी insurance बढ़ सकती है, आग का खतरा हो सकता है, but you have to really prove कि it's damaging. सो लेट्स अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग है, इट्स ईजी टू प्रूव, बिकॉज लेट्स से वो बंदा स्मोक करता है तो ऊपर नीचे यूनिट में कॉमन वेंटिलेशन है, स्मोक जाएगा. पर घर में आपको प्रूव करना पड़ेगा, यू कांट सिंपली किक हिम आउट जस्ट बिकॉज वो स्मोक कर रहा है और आपने लीज में क्लॉज डाला हुआ है. राइट? ओके. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट के दीज थिंग्स यू नो स्टिल हैव टू अप्लाई एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल एंड देन यू नो सी इट. ठीक ठीक. अगला पॉइंट है सबलेटिंग और अजाइनिंग. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सबलेटिंग एंड अजाइनिंग. लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, यू नो कन्फ्यूज करते हैं. तो सबलेट होता है जब टेनेंट यू नो इंटेंट टू कम बैक, वो कहता है मैं 3 महीने के लिए इंडिया जा रहा हूँ, मीन टाइम आपका रेंट नहीं मरेगा, मेरा कजन रह लेगा. तो दैट्स कॉल्ड सबलेटिंग. ठीक है. राइट. सेकंड होता है असाइनमेंट, के बंदा कहता है मैं मूव कर रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा, एंड आई विल फाइंड यू माई फ्रेंड. जैसे किसी ने 1 साल का लीज साइन किया है, उसकी कैलगरी में जॉब लग गई है, वो कहता है मेरा एक और पार्टनर है, वो आपका ले लेगा. तो दैट्स लाइक असाइनमेंट, यू आर असाइनिंग योर लीज टू योर फ्रेंड. ठीक है. और जो आपका क्या कहते हैं सबलेटिंग है, वो है कुछ पीरियड के दौरान, जैसे 3-4 महीने के लिए आपने जाना है, वो 3 महीने के दौरान आपके बंदा रख रहे हो. राइट. द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द ओरिजिनल टेनेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल इन असाइनमेंट अंटिल द एंड ऑफ द ओरिजिनल टर्म. ओके. उसके बाद जो कोई बंदा डिफॉल्ट करता है, जो नया टेनेंट आपने रखा है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. यू कांट विदहोल्ड, ये जो प्रिविलेज है, लैंडलॉर्ड कांट विदहोल्ड कंसेंट फॉर ईदर. अगर वो बंदा कहता है मैंने सबलेट करना है, असाइनमेंट करता है, येस यू कैन आस्क द न्यू टेनेंट फॉर क्रेडिट चेक एंड जॉब इन्फॉर्मेशन वट एवर, बट यू कांट विद होल्ड. राइट. अगर कोर्ट में जाओगे, टेनेंट कैन एक्चुअली फाइल अ क्लेम अगेंस्ट यू इन द ट्रिब्यूनल एंड देन यू माइट लूज इट. सो यू कांट से कि नहीं नहीं मैंने तेरे से लीज खरीद किया, तू नहीं रहना है. ही हैज द राइट टू पुट समबडी एल्स एंड यू कांट स्टॉप हिम. ठीक है. उसके बाद है जी सबसे बड़ा रेंट इंक्रीज. ओके. राइट. सो रेंट इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं? द लॉ सेज वंस अ ईयर you have to give 90 days notice to the tenant and there's a proper form, N1 form hota hai. So you have to give a written notice to it. And kitna hum rent bada sakte hain, if you you know remember last video mein main talk kiya tha ki jo bhi properties November 2018 se pehle bani hui hain, right, usme consumer price index hai jo government har saal August mein tay karti hai, 1% 1.9 hai, 2.1% hai, kitna wo bada sakte hain, ha jo kitna bada sakte hain. And it has to be given in a proper format, in a form, or then basically utna bada sakte ho. Right. Theek hai. But there are certain conditions ke liye, aapka property bahut purana hai, and it needs substantial capital improvements, aur aapko lagta hai aapki kisi ko apne ghar rent diya hua hai, all inclusive heat hydro include karke, right, aur suddenly utility companies ne bahut zyada rate bada diye hain. Right. So you can actually increase rent more than the guideline, but you have to file the application to the landlord, जो अपना board है उसमें आप application file करोगे कि मैं जो आपकी guideline से ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, then it's their discretion, if they order you, then you can do it. Okay. Right? Okay. अच्छी बात क्या है कि कई मेरे client हैं, they are buying newer properties after November 2018, तो उन पर ये जो rent controller लागू नहीं होता, so they can increase it. But obviously, अगर आपका घर 2500 का, you can't ask 3500 because market won't dictate that kind of rent, right? But yes, you can increase whatever way you want, right? नई properties में. उससे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं देखता हूँ कई बार लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, जी हमारा आप मेरी प्रॉपर्टी रेंट कर दो, अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो दे समटाइम आस्क पुट्स उसमें क्लॉज लिख दो कि टेनेंट विल कट द ग्रास एंड शॉवल द स्नो. सो लेट मी गाइस बी वेरी क्लियर, लॉ सेज ही डजंट हैव टू कट ग्रास, ही डजंट हैव टू शॉवल स्नो. यस.
your job. Yeah. So if I'm a landlord, it's my job. And if you put a clause, it doesn't do it, कल को सिटी आपको टिकट देती है, कोई बंदा स्लिप होकर अपने पैर तोड़ देता है, you get sued, you are responsible, not the tenant. सही. So इसका इलाज ऐसे है कि basically you can make a separate agreement with the tenant and say during, अगर summer आप मेरी घास काटते हो, मैं आपको you know $20 दे दूंगा, $10 दे दूंगा, make something separate, don't put in the lease, because lease में वो legally void है. And as I told you in the starting, कि जो RT का is a consumer protection act, एंड लीज में कुछ भी आप ऐसा लिख नहीं सकते जो वो एक्ट को वॉयलेट करता है. सही. सो दैट्स अ वॉयलेशन ऑफ द एक्ट कि अगर आप टेनेंट को कहोगे मेरी घास काट दे, शॉवल कर दे, अपनी मर्जी से कर रहा है पर कल को कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट. उसके बाद है, आप टेनेंट को ये नहीं कह सकते कि कैन यू मेंटेन माई हाउस, और कोई टेनेंट आपको कहे जी मैं आपका रिपेयर कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, तो आप उसको रेंट कर देते हो. देयर वाज अ केस लाइक 6-7 इयर्स अगो इन वाटरलू. वो बंदा क्या था, बैक एंड में पार्टी हो रही थी, एंड देयर वाज लाइक अ यू नो फायर पिट जैसे होती ना कॉन्क्रीट की, बट इट्स अ ओल्ड हाउस, राइट. तो उसके जो फ्रेंड्स हुए थे, सम पीपल गेट ड्रंक एंड ही फेल इन द पिट एंड गेट बर्न्ड, सो ही सूड द लैंडलॉर्ड, ही सूड द टेनेंट, राइट. ओके. एट द एंड ऑफ द डे गाइज, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी हम प्रॉपर्टी रेंट करते हैं, टेनेंट के पास थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस होना चाहिए. सो दैट वे उसके पास $2 million, $1 million लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, और आपके पास अपनी इंश्योरेंस है, तो आपका प्रीमियम नीचे आ जाता है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड ऑन ऑल दीज थिंग्स. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर कोई टेनेंट कहता है कि डोंट वरी, रेंट मी द हाउस, आई एम अ हैंडी पर्सन, आई विल फिक्स इट, फॉर मी इज काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग, बिकॉज मैं उसको क्यों रिपेयर कराऊंगा, आई एम अ लैंडलॉर्ड, राइट. अगर वो पहले, वॉट इज एक्चुअली इंप्लाइंग टू मी इज कि मेरे से रेंट की एक्सपेक्टेशन ना करना, आई डिफॉल्ट ऑन इट, आई पे यू लेस रेंट, बट आई फिक्स इट. सो दैट्स अगेन, you need to have a person who know what they're doing, right. Because you, they can pick up these things, थीक, right? थीक. Second thing, appliance ki aati, that's again bada masla hota hai, log kehte hain usne phone kiya, mera fridge kharab ho gaya, ye kharab ho gaya, headache, lot of people get frustrated, right? Ji. See, the law says whatever you provide to the tenant, you're responsible for that. You have to service it. 100%. ठीक है. So मैं उसका एक tip देता हूँ, मतलब since आपने अभी कहा है. सो वॉट यू डू इज एक्चुअली, अगर मेरे को पुराने अप्लाइंसेज होंगे और मेरे को पता हो टेनेंट लंबी तरफ बैठने वाला है, तो आई सेल देम अप्लाइंसेस बढ़िया रेट पे, तो उनको एक बार अप्लाइंस बेच दिए, उनकी हेड है क्या फिर. प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और लॉयर, आई नो मेरे इतने दोस्त हैं लॉ में, तो मतलब आई फिगर आउट हाउ टू यू नो अवॉइड दीज कॉन्सिक्वेंस. तो घर में क्या होता है मोस्टली, ये नलके आपके लिए करेंगे, टॉयलेट होगी, अप्लायंसेज मेन तो ये मसला होगा ना, ड्रायर नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा. सो इफ आई नो कि भाई टेनेंट ने अगले 5-10 साल रहना है, एंड आई डू मीट कपल जिन्होंने घर बेचा होता है, दे हैव नो प्लान टू डू इट, राइट. सो वट आई डू इज, मैं कहूँगा यार अप्लायंस है मैं बेचने में लगाने, आर यू इंटरेस्टेड, दे से यस, उनको $200 डिस्काउंट दे दो, एंड यू आर सेट फॉर लाइफ. हाँ, क्योंकि मेरे अप्लायंसेस ही नहीं, आपके आप अपना फिक्स कराओ, खुद ही कराओ, सही है, राइट. दैट्स अ गुड ट्रिक, राइट. अच्छा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कई बार कोई रेंट नहीं पे कर रहा, आपको एविक्शन करनी है. गाइस, यू नो आई सी दिस अगेन एंड अगेन, जब घर बेचने का टाइम आता है, एजेंट को कोई कई बार समझ नहीं होती, एंड दे गेट लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फाइटिंग विद ईच अदर, गोइंग टू ट्रिब्यूनल, 6-7 महीने का रेंट भी खराब होता है. सो दे डोंट नो कैसे, कौन से नोटिस देना है, क्या करना है, राइट. सो एक जैसे नोटिस होता है कि लेट्स से हमने घर सेल पे लगाना है, बीच में टेनेंट बैठा हुआ है, राइट. अगर कोई लैंडलॉर्ड उसको नोटिस देता है, जैसे N12 हो गया, कि मेरी फैमिली ने मूव करना है, यू अविक्ट, जैसे एक साल की लीज की है, आप कहोगे जैसे 2017 में मार्केट बहुत हॉट थी, आपको पता यू कैन मेक अ गुड प्रॉफिट, राइट. सो व्हाट दे डू इज दे ट्रिक देम, मैंने अपने आप मूव करना है कि तू निकल जा, तो उसको अपना N12 नोटिस कर दिया कि मेरी फैमिली ने मूव करना है. एंड इट्स वेरी कॉमन, और ये केस में यू नो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक जैसे लेडी एक जगह पे रह रही थी, छोटा सा घर था, सो शी वाज पेइंग 900-950 अ मंथ, तो 15 साल से रह रही थी, उसको पता मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ गई, मैंने बेचना है. सो व्हाट द डे इज दे टेल हिम कि मैंने मूव करना है, लेडी मूव्ड आउट, एंड देन लेडी एंड अप यू नो बाइंग एक्सपेंसिव रेंट, मतलब उसमें चलेगी जिसको 1600-1700 रेंट था. अच्छा, बट शी कीप टेन आई के वो बंदा करके आ रहा, उसने मेरे को प्रॉमिस किया था वो घर मूव करेगा. तो लॉ कहता है कि अगर आप किसी को N12 नोटिस देके कह रहे हो कि मेरी फैमिली ने मूव करना है, लॉ रिक्वायर्स यू टू मूव इन द हाउस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, राइट. उसने क्या किया, जैसे लेडी ने मूव किया, विद इन 1 मंथ बाद फटा लग गया सेल का, राइट. शी फाइल्ड फॉर एप्लीकेशन, एंड वो ट्रिब्यूनल में गई, तो जज ने उसको ऑर्डर कर दिया लैंडलॉर्ड को कि जो भी रेंट का बैलेंस है, 900 और 15 माह से बैलेंस होता है $600 का, सो 600 × 12 इज वॉट, जितना भी बन गया 7,000. हाँ जी, सो उतना जो डिफरेंस था, लैंडलॉर्ड हैज टू पे टू द टेनेंट फॉर द होल ईयर.
That was the judgment. Wow. कि झूठ बोल के उसने निकाला. अच्छा अच्छा. कई बारी वो we call it renovations के बाना मारते हैं मैंने renovation करानी है evicted को पता rent बढ़ गया. Yeah. So they penalize 30-40,000 up to 50,000 condominiums में. Right. So you need to know कि उसकी penalty क्या है. अगर कोई rent नहीं pay कर रहा आपको पता होना चाहिए कौन से form आपको चाहिए non payment of the rent. If you don't know what you're doing, it's too overwhelming. And the biggest mistake they do is लोग सोचते हैं it's as simple as downloading a form, filling it. अगर आपने उसका नाम गलत रख लिया, स्पेलिंग कुछ रख दिया, या जिस दिन नोटिस सर्व करना था उसके दिन में एक दो दिन का फर्क आ गया, as I said, this act is to protect the tenants. अगर वो उसके पास एडजुडिकेटर के पास एप्लीकेशन जाती है, they will find a small thing, they'll throw your file and say apply again. You're back to square one, फिर 3 महीने लगेंगे. राइट. सही है. सो कहने का बात है कि अदर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर लैंडलॉर्ड अपने घर में रह रहा है और उसने बेसमेंट में स्टूडेंट्स रखे हुए हैं या टेनेंट रखे हुए हैं, देन आरटी डजंट अप्लाई. ओके. सो लेट्स से आपका घर है, ठीक है, आप कहते हो मैं फैंशो के पास रहता हूँ, मैंने दो स्टूडेंट बेसमेंट में रख दिए हैं एंड दे आर शेयरिंग बाथरूम एंड किचन, द लॉ सेज देन इज नॉट यू नो अंडर आरटी, देयर इज नो प्रोटेक्शन टू द टेनेंट, ही जस्ट अ गेस्ट. Okay. You can tell them to go, they have to go. Ah, okay. So that is another thing you have to see, you know, as a owner, ke kya kar sakte ho, right? Sahi. And mein, sorry, main ye kehna chahta hoon ke mereko 15 saal ho gaye, I have leased properties and find tenants in Milton, Mississauga, Hamilton, GTA, London, Windsor for my clients. Theek right? Hai. Agar aapko lagta hai ke matlab you are, you know, stressed, you can't figure it out, call us. लोग कई बारी गलती करते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लोकल को हायर कर देते हैं, देर आर ऑल्सो गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दे डोंट गिव यू फुल मार्केटिंग. मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पीछे में कोई क्लाइंट मिला, लंदन में उसका प्रॉपर्टी था, 3 महीने उसने कोई लोकल प्रॉपर्टी मैनेजर को हायर किया. व्हाट द प्रॉपर्टी मैनेजर मोस्टली डू, दे डोंट यू नो बेयर मिनिमम हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को एक्सपोज करने के लिए MLS पे डाला जाए. जी. कई जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं दे वांट टू कीप ऑल द फी टू देमसेल्फ, दे वांट टू शेयर विद द एजेंट्स. जैसे मैं अगर MLS में डालूंगा, अगर कोई मिसागा से एजेंट अपने क्लाइंट को लेके आता है, सो हाफ ऑफ द फी गोज टू दैट एजेंट. पर प्रॉपर्टी मैनेजर दे आर वेरी स्टक अप, दे डोंट वांट टू कोऑपरेट. अगर आपने लंदन में फट्टा लगा दिया रेंट का, मेरे को बताओ इन ऑल ऑनेस्टी के बंदा को मिसागा बैठा है, ओकल बैठा, टोरंटो बैठा, कैलगरी बैठा, डू यू थिंक वो लंदन की एक एक गली में ड्राइव करके देखा फट्टा कहां लगा? हां, बिल्कुल बिल्कुल, सो ट्रू. आप सोचते हो खजीजी में डालोगे, व्हाट काइंड ऑफ टेनेंट्स आर सिटिंग ऑन खजीजी, यू टेल मी. अगर मेरे पास एग्जैक्टिव होम है जिसका किराया 3600 है, डू यू थिंक दोस पीपल आर लुकिंग इन खजीजी? या Let's say your financial advisor, do you think you are sitting and time finding, you know, deals on Kijiji? Yeah. Because they are already selling their house, they probably have an agent and agents are looking in MLS. Yeah. So the bare minimum exposure, agar aapka achha ghar hai, is to put an MLS. And as I said, we represent, we know all the rules and regulation. I'm a landlord for last 15 years, own multiple properties, and I, you know, find tenants for my clients everywhere, right? Mm-hmm. So if you are looking for it, interview people and give us a call and you know we'll screen the tenants for you, we'll make sure ki aapko kam se kam hassle ho aur aapki jo investment hai wo apna secure rahe. So thank you so much. Real Estate Edge with Jimmy Singh, mera khayal hai 12-13 dozen se zyada mashware diye hain aur humne Stephanie ko yahi bataya ki it's attention to detail in all aspect of it. तो मेरा ख्याल है आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी होगी, स्पेशली RTA के हवाले से. और अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और अभी भी आप चाहते हैं, हमने आपको बड़ी डिटेल में सारे मशवरे दिए हैं, तो ये सारे मशवरे इसलिए दिए हैं ताकि आप फुली अवेयर हो जाएं कि कैसे क्या क्या चीज़ों पे हमें फॉलो थ्रू करना है. लेकिन हम दोबारा ये कहते हैं कि जब भी आप स्पेशली आप हाफ $1 million, $1 million की प्रॉपर्टी करती हैं, आप सालों की कमिटमेंट करते हैं, यू मस्ट अटेन अ प्रोफेशनल एडवाइस इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट बैंक ऑफ यू पार्क. तो देखते रहिए रियल स्टेट एज विद जिमी सिंह, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आपके सवालों के जवाब आप तक आपकी भाषा में दे सकें. और ज़रूरी मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा कि अगर आपके सवाल हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पे डायरेक्टली मैसेज करके दे सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी आ रहा है तो आप उस पे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. देखते रहिए रियल स्टेट एज विद जिमी सिंह.